मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है, क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बीजेपी के हेडक्वार्टर्स पर भव्य अभिनंदन हुआ, महिलाओं ने अभिनंदन किया, आसमान पर नारी शक्ति का आत्मविश्वास पहुंचा हुआ है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। साथ ही साथ बात करेंगे कि गैंगस्टर सुखा दुनेके की हत्या के लिए लॉरेंस विश्नोई और गोल्डी बरार के कबूलनामे से किस तरह से फिर बेपर्दा हुआ है कैनेडा। जेडीएस और बीजेपी के बीच बढ़ी हैं नजदीकियां, तो कर्नाटक में क्या कुछ नए चुनावी समीकरण देखने को मिल सकते हैं, इस पर होगी बात, होंगे कई अहम सवाल और जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में नारी शक्ति का किया वंदन, कहा आज हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। 9 वर्षों में महिलाओं से जुड़ी हर बंदिश को तोड़ने का हुआ प्रयास, बिल फाड़ने वाले कर रहे हैं अब बिल का समर्थन। नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य अभिनंदन। भाजपा मुख्यालय में बड़ी संख्या में पहुंची महिला सांसद, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। प्रधानमंत्री ने कहा दशकों का सपना हुआ साकार, अधिनियम बदलेगा देश का भाग्य। सनातन धर्म के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन के आपत्तिजनक बयान को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और स्टालिन को जारी किया नोटिस। याचिका में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने और भविष्य में ऐसे आपत्तिजनक बयान देने पर रोक लगाने की मांग। जमीन के बदले नौकरी मामले में दाखिल सीबीआई की दूसरी चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने लिया संज्ञान। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 17 आरोपियों को समन जारी। 4 अक्टूबर को सभी आरोपियों के तौर पर अदालत में पेश होने का आदेश। गैंगस्टर सुखा दुनेके की हत्या के लिए लॉरेंस विश्नोई और गोल्डी बरार के कबूलनामे से फिर बेपर्दा हुआ कनाडा। कनाडा में राजनीतिक दलों, मीडिया और आम लोगों का मानना चीनी हस्तक्षेप की वास्तविक कहानी पर पर्दा डालने के लिए भारतीय विदेशी हस्तक्षेप की गढ़ी जा रही है झूठी कहानी। और कर्नाटक में जेडीएस और बीजेपी के बीच हो सकता है गठबंधन। विधानसभा में दोनों पार्टियों ने बनाई नजदीकियां, एचडी कुमार स्वामी के दिल्ली दौरे पर सभी की निगाहें, एनडीए के मिशन 2024 को मिलेगी मजबूती। तो सबसे पहले बात महिला आरक्षण की। ये प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है और जो बात मोदी गारंटी के साथ कहते हैं उसको पूरा करते हैं, और इस बार फिर यही बात सामने आ रही है कि ये मोदी की गारंटी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को मंजूरी मिलने के बाद आज राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा जारी है। माफ कीजिएगा, दरअसल ये बिल पास हो गया है, ये खबर पुरानी थी। ये बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी के मुख्यालय पर उनका अभिनंदन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि ये उनकी गारंटी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। महिला आरक्षण विधेयक संसद से पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमेन लेड डेवलपमेंट की जो गारंटी दी है, ये उस बिल की गारंटी का परिणाम है। महिला आरक्षण विधेयक के पास होने के बाद महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है। इस कानून के बनने के बाद महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने की कई बाधाएं
दूर हुई हैं। आज पीएम मोदी के स्वागत में भारी संख्या में महिला कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय पर जुटी। 3 दशक बाद आधी आबादी के सपने को सच होने का रास्ता खुला है। और पीएम मोदी ने देश की माताओं, बहनों और बेटियों को बधाई दी और कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कोई आम कानून नहीं है, यह अमृतकाल में विकसित भारत का एक बड़ा कदम है। संसद में नए भवन में यह पहला ऐतिहासिक बिल पास होने से देश में एक नई उम्मीद भी जगी है। पीएम ने कहा, कल तक जो दल इस बिल को फाड़ने में आगे होते थे, उन्होंने भी सर्वसम्मति से इस बिल को पास किया है। पीएम मोदी ने सभी राजनीतिक दलों को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने बहनों के जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या पर ध्यान दिया है। हमने मातृत्व वंदना योजना शुरू की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन शुरू किया, सुकन्या योजना से लेकर शौचालय निर्माण तक हर योजना को बेटियों के लिए समर्पित रखा। महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकार ने खास तवज्जो देकर ट्रिपल तलाक को खत्म करने, सेना के अधिकारियों में महिलाओं की एंट्री, मातृत्व अवकाश जैसे कई फैसले लिए। वर्षों से लटकते अटकते और भटकते इस बिल को पास कराने का श्रेय पीएम मोदी ने देश के करोड़ों लोगों को दिया है और वो इस कहते हैं कि आम लोगों का बिल है। विशेषकर माताओं और बहनों ने वोट देकर एक स्थिर सरकार बनाई, एक स्थिर सरकार ही बड़े फैसले ले सकती है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले सत्ता में बैठकर जो राजनीतिक पार्टियां बिल फाड़ा करती थीं, वो ही पार्टियां आज इस बिल का समर्थन कर रही हैं। ये जीत देश की और केवल देश की महिलाओं की है। सारे दलों को इस बिल का समर्थन करना पड़ा है। आप मान लीजिए यही लोग हैं जो पहले बिल फाड़ा करते थे, आज उनको बिल को समर्थन करना क्यों पड़ा? क्योंकि देश भर में पिछले 10 साल में महिला एक शक्ति बनकर के उभरी है और हमने संसद में पहुंचने से पहले देश में सामर्थ्य जुटा दिया ताकि संसद में कोई हिल न पाए, इसका पूरा प्रबंध करके हम सदन में गए। ये आप ही के सामर्थ्य पर भरोसा करके मैं गया था, ये आप ही की शक्ति पर भरोसा करके मैं गया था और आपकी शक्ति ने रंग दिखा दिया कि सभी राजनीतिक दलों को इस काम में जुड़ना पड़ा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कोई सामान्य कानून नहीं है, यह नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। यह अमृतकाल में सबका प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बढ़ा हुआ एक कदम है, इसलिए राष्ट्र को सर्वप्रथम मानने वाली पार्टी के रूप में, बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में यह हमारे लिए गर्व का विषय है। राष्ट्र को सर्वप्रथम मानकर चलने वाली पार्टी के रूप में, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होने का गर्व अनुभव कर रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कोई सामान्य कानून नहीं है, ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। ये अमृतकाल में सबका प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा, बहुत मजबूत कदम है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में जनसंख्या के आधार पर महिलाओं और पुरुषों के अनुपात में सुधार आया है। उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए देश में करोड़ों शौचालय का निर्माण किया गया है और महिलाओं के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। देश में जनसंख्या के आधार पर महिला पुरुष के अनुपात में सुधार आया है। इसी तरह शौचालय न होने की वजह से बेटियां स्कूल न छोड़े, इसके लिए हमने करोड़ों शौचालय बनाए। बेटी की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए हमने सुकन्या समृद्धि योजना में ज्यादा ब्याज का प्रावधान किया।
बेटी को रसोई में लकड़ी का धुआं ना सहना पड़े इसके लिए उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया, बेटी को पानी के इंतजाम में परेशान होना न पड़े इसके लिए हमने हर घर पाइप से पानी देने की योजना शुरू की। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले इसके राजनीतिक पहलू की बात करते हैं। ऐतिहासिक है ये बिल, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा, ये हम सब इस बात को मान रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जो इसका अगर सियासी पहलू की बात कही जाए, प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि जो लोग पहले बिल फाड़ा करते थे आज वो एकजुट हुए हैं, और इससे पहले बिल लाने से पहले उन्होंने देश का सामर्थ्य जुटा लिया था। कैसे देखते हैं इस पूरे वक्तव्य को और किस तरह से देखते हैं इस पूरी सियासत को? निखिल, देखिए दो बहुत बातें स्पष्ट तौर पर इस बिल के पारित होने से उभर कर सामने आई हैं। पहली बात तो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वो ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं और उस पर सरकार आगे बढ़ रही है और सफलतापूर्वक पारित कराने में कामयाब हो रही है, जो देश के लिए जरूरी है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नए भारत के लोकतांत्रिक प्रतिबद्धताओं का प्रतीक है, ये कोई सामान्य बिल नहीं है। आप आधी आबादी को हर स्तर पर उनका जो भागीदारी है वो सुनिश्चित किए बिना आप नए भारत में विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। जी, 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 और ये दिखाता है कि भारत का लोकतंत्र अब परिपक्व तरफ बढ़ रहा है। जब इस बिल पर हमने देखा कि राज्यसभा में एक भी मत विरोध में नहीं पड़ा, लोकसभा में सिर्फ दो, जो आईएम जो दरअसल वही आपसे समझना चाहते हैं कि इसमें अंदर खाने में विरोध तो था, उसका वजह विरोध तो था, और कहीं ना कहीं इस बात का भी आ रहा है कि बीजेपी और पीएम मोदी को इसका लाभ ना मिलने पाए, इस बात की भी पूरी कोशिश हो रही है। तो यही बात मैंने दरअसल आपसे जाननी चाहिए कि इस तरह से पूरी सियासत को कैसे आकलन करेंगे आप। निखिल, उसी बात पे आ रहा था कि देखिए कि आज से 20 साल पहले और अब देखिए जो मौजूदा माहौल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का काम हुआ, सामाजिक तौर पर उनको बराबरी मिले उस पर पहल की गई समाज के लोगों के साथ मिलकर प्रोत्साहन करके, और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजनीतिक तौर पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, उन्हें सशक्त बनाया जाए। पहले भारतीय जनता पार्टी ने 33% हम जानते हैं कि संगठन में आरक्षण दिया, पहली ऐसी पार्टी थी देश और दुनिया की कि संगठन में महिलाओं को आरक्षण सुनिश्चित किया गया। और अब 3 दशकों का इंतजार खत्म हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, और हमने देखा है कि जब ये बिल महिला आरक्षण से जुड़ा बिल आया था और समाजवादी पार्टी ने क्या रवैया एक जमाने में अपनाया था, किस तरह से कुछ दलों ने अलग अलग बहानों से ओबीसी के मुद्दे पर इस बिल को लोकसभा में पारित नहीं होने दिया था, और अब जब एक नया बिल, चूँकि पुराना बिल लैप्स हो गया था हम जानते हैं, और ये बिल जो लाया गया जिसमें हम जानते हैं कि SC ST का जो मौजूदा संसद में आरक्षण है उसमें भी एक तिहाई जो सीटें हैं वो सुनिश्चित की गई है कि महिलाओं को उनको आरक्षण के साथ मिले। तो ये दिखाता है कि पहली बात तो है कि आधी आबादी का दबाव स्पष्ट तौर पर सभी राजनीतिक दलों पर दिखाई दे रहा था, और कोई ये नहीं कह रहा था कि वो इस बिल के विरोध में है, सब श्रेय लेने के होड़ में थे। UPA की दल या कांग्रेस से करे थे कि उनके जमाने में भी ये प्रयास हुआ था, और हमने देखा कि जब बहस हो रही थी लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, तमाम दल इसका श्रेय लेते दिखे कि उनके राज्य में तो पहले ही इसकी पहल हुई, जो राज्यों में जिन दलों का शासन है, कांग्रेस पार्टी ने अपने समय की बात बताई कि उन्होंने पहल की थी। लेकिन सच्चाई ये है कि 3 दशकों से जो एक लंबित मांग थी, एक ऐतिहासिक फैसला था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में उनके प्रधानमंत्री की अगुवाई में ये बिल न केवल लोकसभा में आया, राज्यसभा में आया, बल्कि दोनों सदनों से पारित हुआ, और हम जानते हैं कि अब उसका रास्ता साफ हो गया है संसद और विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं का। बिल्कुल बिल्कुल, तो 30 वर्षों से अगर ये लंबित था बिल, तो जाहिर तौर पर जैसा कि आपने बताया कि इस पर सियासत होनी ही थी। लेकिन अगर मोदी सरकार की बात करें 2014 से लेकर अब तक पिछले 9.5 वर्षों की अगर बात करें, किस तरह से विमेन सेंट्रिक योजनाएं रही हैं, अब प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि विमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो योजनाएं रही हैं इस सरकार की, वो इस बात की साक्षी है कहीं ना कहीं कि जो तमाम महिलाओं से जुड़े हुए विषय थे वो विमर्श के केंद्र में रहे, वो सरकार की केंद्र में रहे। ये देखिए, जब सबका साथ सबका विकास की बात होती है तो वंचित पीड़ित शोषित वो आगे आए और उनको भागीदारी मिले। वो भागीदारी कैसे मिले? राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो, आर्थिक मजबूती मिले, सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित हो।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब अभियान शुरू हुआ 2014 में चुनाव जीतने के बाद, हमने देखा कि दो साल में उसके नतीजे आए। जो एक जेंडर गैप था, जो लड़का लड़की में जो अनुपात में जो गैप था वो कम हुआ, गैस कनेक्शन दिया गया, महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली, घर महिलाओं के नाम पे हम जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, लखपति दीदी बनाने का फैसला हुआ उसमें हम देख रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया, महिलाएं आत्मनिर्भर बने, आगे आए वुमेन लेड महिलाएं आगे आकर उनके नेतृत्व में विकास की बात हुई। तो दरअसल आर्थिक तौर पर महिलाएं आगे आए ये सुनिश्चित किया गया है, उनको संबल मिले, जो गरीब तबका है वहाँ की महिलाएं संबल मिले वो सुनिश्चित किया गया है। लेकिन सिर्फ इतने से बात नहीं बनने वाली थी, आधी आबादी को राजनीतिक तौर पर संसद और विधानसभा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए उस ओर बढ़े जाने की जरूरत थी और वो किया गया है। तो आप इस तरह से देखें कि कोई भी कदम, सुकन्या समृद्धि हमने आप सुना ही, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ब्याज बढ़ाया गया, आप तमाम उन योजनाओं की चर्चा करें, मातृत्व अवकाश इसी सरकार के दौरान, हम जानते हैं मोदी सरकार जो 2014 में आई, दुनिया में किसी भी देश में जो भारत में मिलता है जितने हफ्तों का मातृत्व अवकाश कहीं नहीं मिलता, ये दिखाता है कि महिलाओं के प्रति ये सरकार कितनी संवेदनशील है। इसी तरह से आप देखें चाइल्ड केयर लीव दी जाती है सरकारी कर्मचारियों को 2 साल तक अपने बच्चों को लालन पालन के लिए। आप सीरीज ऑफ फैसले देख लीजिए, एक के बाद एक फैसले 2014 के बाद हुआ, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सब जानते हैं, सुकन्या समृद्धि स्कीम, लखपति दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, गैस कनेक्शन देना, महिलाओं के नाम घर देना, महिलाओं को मुद्रा में देख कितना फायदा हुआ। लेकिन ये आर्थिक फैसले थे, इससे आर्थिक सशक्तिकरण हुआ था। राजनीतिक फैसले, महिला मंत्री ज्यादा बने, महिला सांसद ज्यादा बने, महिला विधायक ज्यादा मिले, और एक आम आदमी के परिवार में पैदा हुई बेटी इस बात की अगर कल्पना करे कि वो सांसद बन सकती है, उसके परिवार के लोग रोके ना, चूंकि उनको पता है कि 33% सीटें आरक्षित है। राजनीतिक दलों को अब मजबूर होना पड़ेगा जब ये आरक्षण लग जाएगा कि वो महिलाओं को टिकट दे, वरना होता क्या था कि संगठन में थोड़ी बहुत जगह देते थे और जब टिकट की बात आती थी तो जिताऊ उम्मीदवार का बहाना देके टिकट नहीं देते थे। आप देखिए 10% से ज्यादा टिकट अधिकांश राजनीतिक दल नहीं देते थे महिलाओं को, चूंकि उन्हें लगता था कि वो चुनाव जीत नहीं पाएंगी। लेकिन होगा क्या कि जब 33% आरक्षण सुनिश्चित हो जाएगा तो कम से कम उतनी सीटों पर महिला उम्मीदवार ही उतारना होगा, और हम जानते हैं कि उसके बाद सामान्य सीटों पर कोई मना ही नहीं है। तो 33 से ज्यादा भागीदारी फीसदी के तौर पर हम देश की संसद में, दिल्ली विधानसभा में और सभी राज्यों की विधानसभाओं में देखेंगे। तो ये फैसला इतिहास बदलने वाला है, ये फैसला भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की जड़ों को और मजबूत करने वाला है, और ये फैसला दरअसल एक दूरगामी नतीजे ही देने वाला नहीं है, बल्कि इसके एक बहुत व्यापक असर देखने को मिलेंगे जब ये लागू होगा। निश्चित तौर पर व्यापक असर देखने को मिलेगा जब ये लागू होगा, ऐतिहासिक फैसला इसीलिए कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि विपक्ष के एजेंडे में क्या समाज बांटो फार्मूला है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नोटिसेस भी जारी किए हैं। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड, अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा,
समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब चर्चा करेंगे कि क्या विपक्ष के एजेंडे में समाज बांटो फॉर्मूला है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस आशय का एक नोटिस भी जारी किया है। दरअसल तमिलनाडु की डीएमके सरकार का सनातन विरोधी एजेंडा राजनीतिक बहस से आगे निकलकर सुप्रीम अदालत तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने दरवाजा खटखटाया है और आज अदालत ने उस पर अपना नोटिस जारी किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सनातन धर्म पर अभद्र टिप्पणी देने वाले डीएमके के दो बड़े नेताओं को नोटिस जारी किया है। उदयनिधि स्टालिन और ए राजा ने कहा था कि यह धर्म बीमारी है, इसे खत्म कर देना चाहिए। सनातन धर्म पर विवादास्पद बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री उदयनिधि और नेता ए राजा सहित 14 पक्षकारों को नोटिस भेजा है। 14 लोगों को नोटिस गई है। इसमें याचिकाकर्ता ने खास धर्म के खिलाफ बोलने के लिए कॉलेजेस में बैठकों की योजना पर रोक लगाने की भी मांग की है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सहित डीएमके, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हिंदू धर्म ग्रंथों और संस्कृति पर हमला करके एक विशेष समुदाय को खुश करने की योजना बनाई है। ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एजेंडा है। हिंदू धर्म ग्रंथों और संस्कृति पर हमले को लेकर देश के अलग अलग जगहों पर इसके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। कई जगहों पर FIR दर्ज हुई है इस तरह के बोल पर। लेकिन सवाल यह है कि कभी जाति को लेकर तो कभी धर्म को लेकर बीमारी बताना, देश की सबसे प्राचीन संस्कृति और धर्म पर हमला कैसे सियासत हो सकती है? क्योंकि सियासत तो सेवा का माध्यम है। देश की आधी आबादी को अपना हक मिला है। संसद के दोनों सदनों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करके महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित किया है। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इसे छलावा मानते हैं। वे सांसद बनने या PM बनने से ज्यादा महत्व सचिव को यानी सेक्रेटरीज को देते हैं। उनका मानना है कि सेक्रेटरीज ही इस देश को चलाते हैं। राहुल गांधी ने संवैधानिक प्रक्रिया को झुठलाते हुए कहा है कि सरकार महिला आरक्षण अभी लागू करे, परिसीमन की कोई जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि कांग्रेस सहित अन्य क्षेत्रीय पार्टियां सदन में महिला आरक्षण का विरोध करने से बचती दिखी, लेकिन बाहर इस पर भ्रम फैलाने की कोशिश लगातार जारी है। आजादी के बाद महिला आरक्षण, ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370, 35A, GST, ऐसे तमाम जटिल सवालों का हल मोदी सरकार ने संसद में लगभग सर्वसम्मति से ढूंढा है। फिर विपक्ष का ये अनर्गल प्रलाप क्यों है, इस पर सवाल जरूर उठेंगे। 3 दशक की उलझनों को पार करते हुए महिला आरक्षण पर आधी आबादी का सपना अब सच हुआ है। लेकिन विपक्ष पीएम मोदी को क्रेडिट नहीं देना चाहता। जाहिर है इंडिया गठबंधन ने जातिगत जनगणना और OBC का मुद्दा बनाया है। इस बीच CPM नेता कल बिहार में नीतीश कुमार से मुलाकात की, उन्होंने सीताराम येचुरी ने। उन्होंने PM फेस पर यह स्पष्ट किया कि नेता का फैसला चुने हुए सांसद करेंगे। CPM ने इंडिया गठबंधन की किसी भी समिति में अपना नाम नहीं दिया है। साथ ही BJP और TMC से बराबर दूरी रखने की बात भी कही है। संयोजक से लेकर सीट शेयरिंग का मुद्दा इंडिया गठबंधन के सामने यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा हुआ है। और जिस तरह से सभी दल विधानसभा चुनावों में MP छत्तीसगढ़ में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कर दी है, फिर यह गठबंधन कैसा, ये सवाल जरूर उठ रहे हैं। जाहिर है अपने अपने एजेंडे में बटे विपक्ष में गठबंधन के नाम पर के अलावा एक राय किसी और मुद्दे पर नहीं बनी है। सिर्फ नाम पर अभी तक फिलहाल सहमति बनती दिख रही है। ऐसी हालत में राहुल गांधी के हाथ को यह विपक्षी एकता कितना मजबूत कर पाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। और महिला आरक्षण पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये जो 2 पॉइंट्स हैं महिला आरक्षण वाले, डिलिमिटेशन और सेंसस, इनको हटा देना चाहिए और एकदम महिलाओं को जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो भागीदारी होनी चाहिए उनको, एकदम वो कर दें। और ये समझाना है देश को कि हिंदुस्तान के सबसे जरूरी 90 अफसर जो हैं उनमें से सिर्फ 3 OBC क्यों हैं। और JP नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि भारत को पहला OBC प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आज केंद्र सरकार में 27 मंत्री OBC हैं। BJP के 303 सांसदों में से 29% OBC हैं। पहला OBC प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी NDA ने दिया, यह भी हमको ध्यान रखना।
ये ओबीसी की बात करते हैं जो एक बार नहीं अनेकों बार ओबीसी को गाली दे और एक बार नहीं अनेकों बार बोले मैं नहीं माफी मांगूंगा। और सबसे पहले इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ तीन मेहमान जुड़े हुए हैं जो जिनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता प्रीति अग्रवाल जुड़ी हुई हैं। प्रीति जी बहुत स्वागत है आपका। राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी स्वागत है। और विनोद मिश्रा हमारे संपादकीय सलाहकार, विनोद जी आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले स्वागत है विकास आपका, क्योंकि सवाल हम आपके पास लेकर आ रहे हैं कि क्या कुछ इस याचिका में कहा गया है इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, किस तरह से देखते हैं इसको, क्या कुछ बताएंगे, क्या जानकारी देंगे आप सुप्रीम कोर्ट से? बिल्कुल निखिल, देखिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले भी ये कह चुका है कि हेट स्पीच जैसी जो घटनाएं होती हैं उन पर स्थानीय पुलिस को, राज्य के पुलिस को खुद संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये जो घटना घटी है इसको लेकर के एक याचिका चेन्नई के एक वकील है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। उन्होंने ये कहा कि लगातार धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है, सनातन धर्म को बीमारी से तुलना की गई और यहां तक कहा गया कि इसका उन्मूलन किया जाना चाहिए। तो ये बहुत ही विद्वेष भरी टिप्पणियां हैं, हेट स्पीच के दायरे में आता है ये, बावजूद इसके क्योंकि जिन्होंने टिप्पणियां इस तरह की हैं वो सरकार का हिस्सा है, पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है उसके नेता है, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और इसके अलावा याचिकाकर्ता ने कहा कि ये कोई पहला कार्यक्रम नहीं है, तमिलनाडु में लगातार इस तरह के आयोजन हो रहे हैं जिनके नाम ही अपने आप में बेहद आपत्तिजनक हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पुराने ही आदेश का हवाला देते हुए ही याचिकाकर्ता ने यह कहा कि इस पर कार्रवाई हो, इस तरह की बातें कहने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये भी दखल दे कि भविष्य में जो इस तरह की आयोजन होने वाले हैं जो आए दिन होते रहते हैं तमिलनाडु में उन पर रोक लगे ताकि किसी भी धर्म विशेष को, वर्ग विशेष को टारगेट ना किया जाए, उनके खिलाफ हिंसात्मक टिप्पणियां या उनके उनके उन्मूलन की जो बात की जा रही है इस तरह की टिप्पणियों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। और इस पर राजी होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जैसा भी आपने बताया काफी कई लोगों को नोटिस जारी किया गया, लेकिन मुख्य तौर पर जो उदयनिधि स्टालिन है वो ये राजा और राज्य सरकार को ये नोटिस हम कह सकते हैं कि दिया गया है कि वो अपना जवाब इस पर दें, क्या इस तरह की घटना को लेकर के जो उन पर आरोप है उन पर क्या कहना है। जी विकास, विनोद मिश्रा जी आपने सुना विकास को, क्या कुछ कहा गया है उस याचिका में, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और आपने हमारी रिपोर्ट भी देखी, राहुल गांधी का आपने बयान भी सुना जो कहते हैं कि डीलिमिटेशन और सेंसस पर सबसे पहले इसको हटा देना चाहिए और तुरंत इसको लागू करना चाहिए, किस तरह से विश्लेषण करेंगे आप इस पूरी खबर का? देखिए मैं निखिल आपकी रिपोर्ट से आते हुए जो विकास जी भी बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट से, उसमें जो याचिका करता है उसका एक बहुत बड़ा सवाल है और तुरंत उसने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है कि वहाँ डीएमके सरकार ने कैसे कॉलेजों में इस तरह के आयोजन की बात शुरुआत की है जो सनातन उन्मूलन का अपना एक बैनर लिया हुआ है और इस तरह से सनातन धर्म के खिलाफ में एक एक विद्वेष लाने की और समाज में एक विद्वेष फैलाने की बात करता है। ये पॉलिटिकल एजेंडा भले ही किसी पार्टी का हो सकता है, डीएमके का सनातन विरोध का अभियान पिछले 40-50 साल से देश के लोगों ने देखा है, लेकिन जिस अभी जो अभद्र टिप्पणी और अभद्र भाषा का प्रयोग करके अभी जो डीएमके के दो बड़े नेताओं ने किया है उसके बाद कांग्रेस के लीडर ने, और आप देखें कि रीजनल पार्टी में आप देखें कि सपा की तरफ से आरजेडी की तरफ से नेताओं का जो बयान आया है वो बयान डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि समाज में एक तरह से विद्वेष फैलाता है और एक तरह से एक धर्म को लेकर जिस तरह का इनका रवैया है बार बार उनकी टिप्पणी है वो हेट स्पीच के इसमें आता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि अब ये हेट स्पीच के जो और केसेज है उसके सुनवाई में इसको किस तरह से लेते हैं, लेकिन ये चीज जो पॉलिटिकल एजेंडा बन रहा है निखिल, ये सवाल तो जरूर बनता है इस देश के उन बुद्धिजीवियों के लिए, वो सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल के लिए कि आप एक खास धर्म के बाद जब कभी चर्चा में आती है तब आप उसको लेकर कैसे हायतौबा मचाते हैं और इस पर एक स्वर एक आवाज कहीं से नहीं आती है। जो राहुल गांधी अभी कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे, राहुल गांधी के ट्वीट से कभी भी इसको जो मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे थे और भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे थे उनको एक भी उनका जब उनका इस तरह का ट्वीट या उनका एक भी रिएक्शन इस पे नहीं आया है कि उनके ही कद्दावर मंत्री का कर्नाटक के दो दो बड़े मंत्री सनातन पे लगातार हमला कर रहे हैं लेकिन वो खामोश है। तो ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा कुछ भी हो ये बात तो लोग देश हम लोगों से बेहतर जानते हैं कि वो किस तरह का उनका एजेंडा है। नई बात जो कल का जो आपने देखा कि संसद में जो लगभग सर्वसम्मति आप कह सकते हैं कि राज्यसभा ने सर्वसम्मति से ये बिल को पास किया महिला आरक्षण विधेयक को और इसके बाद लोकसभा में दो आप ओबीसी की पार्टी को छोड़ के देखिए तो सर्वसम्मति लोकसभा में दिखी थी। तो इतनी बड़ी कामयाबी एक बिल को मिलना अपने आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक है।
अगर आपने इस बात को देखा है कि इस मोदी के 9 साल के अभियान सरकार में ऐसे बड़े बड़े जटिल जो भी समस्याएं थी देश के सामने में, चाहे वो ट्रिपल तलाक की मामला हो, चाहे आप जीएसटी का मामला देखिए, या इस तरह से दर्जनों ऐसे मामला देखिए, चाहे आप देखिए पेंशन की ओल्ड वन रैंक वन पेंशन के मामला हो, ऐसे कई मामले जो इसमें सर्वसम्मति बनाते हुए मोदी सरकार की पहल से लोगों ने पार्लियामेंट में इसको संबंधित दिया था, तो ये इतनी बड़ी कामयाबी है। और इस बड़ी कामयाबी के बाद आज राहुल गांधी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस कामयाबी के झुटलाते हुए उन्होंने एक भ्रम फैलाने की कोशिश की है। कायदे से उनको पूछा जाना चाहिए था कि अगर महिला आरक्षण बिल पे उनका ये विरोध था तो कांग्रेस के पार्टी का वहां समर्थन होते हुए नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन अगर आप वहां पे राज्यसभा में से लोकसभा में आपने उसको समर्थन किया है तो बाहर आके जो आप ये संवैधानिक प्रक्रिया को झुठलाते हैं कि यहां अगर सेंसस नहीं हुआ है, डिलिमिटेशन नहीं हुआ है, ये कल जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा था पार्लियामेंट लोकसभा में कि राहुल गांधी अगर फर्ज कीजिए कि आज अगर अभी ये आरक्षण लागू हो जाए और वायनाड का सीट उनका रिजर्व हो जाए या फिर किसी दूसरे ऐसे जो सांसद हैं यहां उनका सीट रिजर्व हो जाए तो इसका आप एक तुरंत राजनीतिकरण करेंगे कि आप कहेंगे कि हमारी सीट को आपने रिजर्व किया। जाहिर सी बात है इसके लिए एक डिलिमिटेशन कमीशन है जो ये कमीशन को तय करना होता है कि आने वाले टाइम में वो डिलिमिटेशन कमीशन ही तय करेगी कि कौन सी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होगी, कौन सी एससी के लिए है, कौन सी एसटी के लिए है। लेकिन राहुल गांधी का जो अभियान है वो अभियान इसमें पीएम मोदी को क्रेडिट देने के लिए, देश अगर दे रहा है, महिलाएं आधी आबादी दे रही है, तो उसके बीच में वो एक तरह से भ्रम लेके आए हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जी राहुल लाल जी उंगली भी उठा रहे हैं, राहुल लाल जी आपके पास ही आ रहे हैं, क्यों ना माना जाए कि ये भ्रम उठा रहे हैं जबकि संवैधानिक जो व्यवस्था है दरअसल काम उसी के तहत होगा। डिलिमिटेशन और सेंसस की बात करके कहीं ना कहीं क्या ये ना माना जाए कि राहुल गांधी इस बात को लेकर परेशान है कि ये सारा क्रेडिट बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को मिल रहा है, दरअसल क्रेडिट छीनने के लिए ये सारी बात है, तो अब ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। निखिल जी देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में जो कार्रवाई हुई और जिस तरह से प्रचंड बहुमत से इसे पारित किया गया, इससे स्पष्ट है कि ना केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि तमाम दल, केवल एक लोकसभा में जो है कि ओवैसी जी की पार्टी को छोड़ दिया जाए तो तमाम दलों ने इसे समर्थन प्रदान किया और राज्यसभा में तो किसी ने विरोध ही नहीं किया। तो इसका मतलब है कि इस आरक्षण का समर्थन सभी दल कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं उसको लेकर कांग्रेस ने संशोधन प्रस्तुत भी किया था सदन के भीतर कि भाई आपको अनावश्यक रूप से जनसंख्या के मामले को जोड़ने के लिए और परिसीमन को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी जरूर जो है वो प्रदर्शित करना चाहती है कि वो महिलाओं को आरक्षण देने के लिए गंभीर है, वो संविधान संशोधन भी कर रही है, लेकिन वो एक ऐसा प्रक्रिया ऐसे उसमें किंतु परंतु डाल रही है जिसके कारण से संपूर्ण मामला निलंबित हो जाए। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि 2029 से पहले संभव नहीं है, तो अगर कांग्रेस पार्टी ये डिमांड करती है कि संभव था 2024 कैसे संभव था जरा ये समझा दीजिए, कैसे संभव था ये समझा दीजिए जरा, डिलिमिटेशन कमीशन संवैधानिक व्यवस्था है उससे परे कैसे चले जाएंगे ये भी तो बता दीजिए। डिलिमिटेशन कमीशन है वो सीटों का, जैसे आप देखिए एससी एसटी की सीटें हैं जो उस पर डिलिमिटेशन कमीशन ही अपना वो लेता है, वो अर्ध न्यायिक संस्था है, तो उसको क्या दरकिनार करके आगे की काम किया जाता, कैसे कैसे करेंगे ये भी बताइए। डिलिमिटेशन तो देखिए 2026 तक के लिए पहले से फ्रिज किया गया है, वो प्रक्रिया 2026 के बाद की है, लेकिन 2024 में तो आप अभी लागू कर ही सकते थे। कैसे फिर देखिए, मैं देखिए सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नंबर वन जी, आपने भारत एक लौटा देश है G20 का जो सेंसस के मामले में सबसे पीछे है, यानी भारत ने सेंसस नहीं करवा पाए हम लोग, बाकी G20 के सभी 19 देशों ने सेंसस पूरा कर लिया है। भाई अगर नहीं, कौन से सेंसस की बात कर रहे हैं, हर 10 वर्षों में सेंसस होता है, कौन से सेंसस की बात कर रहे हैं, हर 10 वर्षों में सेंसस होता है, वो सेंसस तो होता ही रह रहा है। नहीं नहीं, 10 की जो 2011 के बाद जो 2021 वाला हुआ था हाँ, वो हमारे यहाँ उसमें जरूर कुछ बाधा पहुंची है। जी ठीक है, मैं कह रहा हूँ देखिए निखिल, आखिर अगर 2022 से आप शुरू कर देते, निखिल आप 2023 से भी शुरू कर देते, आपको लगता है कि इन चुनावों से पहले इतनी जल्दी सेंसस करा के डिलिमिटेशन कमीशन कोई जेबी संस्था तो है नहीं, जब बात हो रही है कि संवैधानिक संस्थाओं पे के थ्रू ही ये होगा, तो ये बात मेरी भी समझ से परे है कि किस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान को जेब में रख करके इस चीज को करा दिया जाएगा। और ये सवाल तब ये भी पूछा जाएगा राहुल लाल जी कि अभी तक आप कहां थे, क्योंकि 1947 से लेकर के और 1996 तक लगातार आप सरकारों में रहे या सरकार के साथ रहे, तो ये और फिर इधर इस बीच 10 वर्षों तक रहे 2004 से 2014 तक, तो ये सवाल तो लगातार पूछा जाएगा। फिलहाल मैं प्रीति अग्रवाल को इस चर्चा जवाब दे दूं आपके सवाल का। निखिल जी एक लाइन में जवाब, 2024
देखिए 2004 से 14 के दरमियान में सोनिया गांधी इसको लेके काफी एक्टिव रही और 2010 में इसे राज्यसभा से पारित भी कराया गया। ठीक है, चलिए चलिए, वो बात तो हम सबको पता है, वो हम सबको, ये बात हम सबको पता है, तो इस पर ये विफलता भी स्वीकार करनी होगी कि तमाम कोशिशों के बावजूद वो ये काम नहीं करा पाए जो नरेंद्र मोदी ने करा दिया दो दिन के अंदर। बिल्कुल नहीं नहीं, सेंसस का था नहीं था, लेकिन वो आप उसको पास नहीं करा पाए, ये आपकी असफलता रही। अगर आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं यहां पर, तो प्रीति अग्रवाल किस तरह से आपको लगता है कि ये जो पूरा मामला है, दरअसल इसको इसका सियासीकरण किया जा रहा है कि कहीं ये क्रेडिट बीजेपी और प्रधानमंत्री ना लेने पाए, ये बात भी जरा समझाइए राहुल लाल जी को कि डिलिमिटेशन और जो सेंसस की बात कर रहे हैं वो गैर संवैधानिक होगा अगर ऐसा किया जाए तो। देखिए 50 सालों से भी ज्यादा कांग्रेस जो है देश की सरकारों में रही, लेकिन देश की आधी आबादी की ना वो भावनाओं की कदर कर पाए, ना ही वो उनकी मांग को मान पाए। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब ये बिल आया है तो इसको वो बच रहे हैं दुनिया के सामने, देश के सामने वो विरोध तो इसका नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब ये वो तब कहां थे, जब वो सरकारों में थे तब तो कर उन्होंने किया नहीं कुछ भी। राज्यसभा में बिना शर्तों के भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया और ये बिल पास हो गया था। उसके बाद ये कांग्रेस तो लोकसभा में लेके नहीं आई, क्योंकि वो अपने जो आई डॉट एन डॉट है उनके कहीं ना कहीं दबाव में आ गई थी। उसके बाद अब थोड़ी सी देरी से ये इतना विचलित हो रहे हैं और जाके जनता को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन जनता बिल्कुल भी भ्रमित नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब सीएम थे, सीएम जब वो थे, जब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री जी हैं सीएम थे, देश की जनता ने उनको पीएम चुना, तो जो उनके कोष में पैसा था उन्होंने सारा पैसा बहन बेटियों की पढ़ाई के लिए डोनेट कर दिया। उसके बाद जो उनके पास गिफ्ट आए थे उस गिफ्ट को उन्होंने उसका ऑप्शन करके भी बहन बेटियों के पढ़ाई के लिए उन्होंने उसको डोनेट कर दिया, और उसमें उन्होंने कोई बिल पारित नहीं किया था, उन्होंने नॉर्मल तरीके से उसको डोनेट किया था। आप संगठन की हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसके अंदर भी जब प्रधानमंत्री के संगठन मंत्री थे उन्होंने बहन बेटियों की चिंता की थी, उन्होंने बहन बेटियों को एक स्तर पर पहुंचाया था। उसके बाद जब पीएम बने उन्होंने लाल किले की प्राचीर से इज्जत घर की घोषणा की थी, जिस टाइम पे इन्होंने फिर मजाक बनाया था, लेकिन उन्होंने उसकी चिंता नहीं की। इज्जत घर को इंप्लीमेंट कराया गया, जनधन योजना लाई गई, उज्ज्वला योजना लाई गई। कोरोना काल की अगर हम बात करें तो कोरोना काल के अंदर भी प्रधानमंत्री जी ने बहन बेटियों के खाते में पैसे आए, विडो खाते में भी पेंशन आई, उससे पैसा आया। प्रधानमंत्री जी ने हर कदम पे बहन बेटियों का साथ निभाया है। हम सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, 8 मार्च को जाके हम गोष्ठियां करते हैं, संगोष्ठियां करते हैं, ये सिर्फ रस्म निभाई होती है। प्रधानमंत्री जी जो बिल लेके आए हैं, इस बिल के माध्यम से वाकई में ही आप देख रहे हैं पूरी देश के अंदर किस तरह की खुशी की एक लहर आ गई है। मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ ये जो बात करते हैं क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, तो ये तो चंद्रयान के लिए भी क्रेडिट लेना चाहते हैं, G20 के लिए क्रेडिट लेना चाहते हैं, ये कहते हैं G20 हमारा है, ये कहते हैं चंद्रयान हमारा है, तो देश जो है वो इसका उसका से नहीं चलता है, देश सबका साथ सबका विकास से चलता है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिखाया। ठीक है ठीक है, प्रीति जी कुछ कुछ और बातों पर आगे बढ़े राहुल लाल जी, इस विषय के अलावा बहुत सारे विषय आज है। अभी आपने देखा हमारे संवाददाता ने सुप्रीम कोर्ट से, विनोद मिश्रा जी आपके पास आ रहे हैं, एक प्रश्न में चाह रहा हूँ राहुल लाल जी का एक करेक्शन करना है। जी जी, जो बता रहे थे सिर्फ उनको ही बता रहा था कि राहुल लाल जी इस चीज को, एक राहुल गांधी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रम फैला रहे हैं और दूसरा राहुल जी, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप थोड़ा करेक्ट कीजिए जब आप चीजों पर बात करते हैं। तो आप जब आपने कहा कि सेंसस हम सब देश में हुआ हमारे यहाँ नहीं हुआ, आप ये जान रहे होंगे कि उस समय में कोविड की जो है दूसरी लहर थी और देश के जो किस सब मुसीबत में और देश किस तरह से उसका सामना कर रहा था। रही बात कि आप थोड़ा सा डिलिमिटेशन के बारे में भी आप एक शंका जाहिर कर रहे थे और वही बात कह रहे थे जो राहुल गांधी ने अभी कही है, तो उसमें भी थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिए कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो बात 1973 के बाद डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक नहीं हुआ है, और उसके बाद आप देखिए कि देश में जो संसद की सीटें थी वो अभी भी एज वही है जो स्थिति उस समय में संख्या की थी। तो उस समय में ये तर्क दिया गया था कि जो पॉपुलेशन का ग्राफ है हिंदुस्तान में वो एक तरह से जो फैमिली प्लानिंग के स्कीम्स हैं और जो फैमिली प्लानिंग के जो कोशिशें हैं उससे अगर देश में जनसंख्या का अनुपात अगर सही दिशा में एक बैलेंस रूप में हर स्टेट में आता है तो उस प्रयास के
बाद अगर डिलिमिटेशन हो तो शायद स्टेट के संख्या के हिसाब से सीटें देने में सुविधा होगी। और ये चीज़ें अभी तक हुई या नहीं हुई ये बात तो डेटा हमारे पास में नहीं है, लेकिन इतने सारे उसमें किंतु परंतु थे इस डिलिमिटेशन में, इसलिए अभी तक उसको 2026 तक का रखा गया था, जो एक टारगेट था कि उस समय तक में देश जो प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग है, वो एक जनसंख्या के अनुपात को कम कर लेगी। लेकिन ऐसा होते हुए दिखा नहीं है। भारत आज दुनिया के सबसे बड़ा आबादी के रूप में सबसे बड़ा देश है। जी बात मैं उनके बात को दूसरा करेक्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। ये लोग इन्फॉर्मेशन को किस तरह से नहीं, वो बात तो मैंने पहले ही कही कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है, राहुल जी इस बात को समझ रहे हैं, चूंकि अब राहुल गांधी ने इस बात को कह दी है तो शायद राहुल लाल जी भी उस बात को सही साबित करना चाह रहे हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है संवैधानिक संस्था है, अर्ध न्यायिक संस्था है, कोई जेबी संस्था नहीं कि आपने उसको आदेश दे दिया और रातों रात उसने आकर के महिला आरक्षण पर या किसी भी आरक्षण पर डिलिमिटेशन का काम जो है वो बड़ा लेंदी और बड़ा टीडियस होता है वो करने के लिए। बहरहाल मैं इस चर्चा को थोड़ा और विस्तार देना चाहता हूं, राहुल लाल जी आप ही के पास आऊंगा, कि ये जो सनातन पर आज अभी आपने हमारे साथी विकास सारथी को सुना कि याचिका में क्या क्या मांग की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस भी इशू किया है, सनातन पर डीएमके के साथ ये जो कॉलेजेस में कहा जा रहा है कि अब चलाएंगे सनातन विरोध की जो एक जो सियासत है उस पर रोक लगाने की भी मांग की गई है, डीएमके के साथ खड़ी दिख रही है कांग्रेस, क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो सनातन का विरोध है ये इस पर कहीं ना कहीं डीएमके को आइदर रोकना चाहिए था या क्यों ना माना जाए कि कांग्रेस सनातन के विरोध में एक राजनीतिक लाभ लेने की स्थिति में डीएमके के साथ खड़ी है। निखिल जी मैं सनातन के प्रश्न पे तो मैं आ रहा हूँ, बस खाली एक लाइन में बोलूंगा कि अभी जो विनोद जी ने कहा, देखिए वो जो डिमिलिटेशन को फ्रीज किया गया था वो उस समय उस जमाने में भी किया गया इंदिरा गांधी के समय में और 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी किया गया, 2001 में भी हुआ। तो उस मामले में बीजेपी कांग्रेस दोनों सरकारों ने किया, अगर आपको वो पॉलिसी पसंद नहीं है तो फिर दोनों सरकारों में आप उसमें दोषी डाल सकते हैं। नहीं पॉलिसी पसंद होने की बात नहीं, बात केवल पॉलिसी की थी। जी 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 हाँ, मैं अब आता हूँ सनातन के मामले पे। देखिए इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिसेस जारी किए हैं और सुप्रीम कोर्ट में तमाम सवाल जवाब होंगे, लेकिन इस मामले पे मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि देखिए जो तमिलनाडु में जो पूरा सनातन को लेकर बयान दिया जा रहा है उस बयान को हम लोग उत्तर भारत में निखिल जी अलग से समझते हैं उसे, वो मूलतः वहां पे पेरियार का आंदोलन है और जो सनातन के कमियों की तरफ इशारा करता है और वो मूलतः शुद्ध सनातन की वापसी की तरफ इशारा करता है। तो सनातन के कमियों को दूर करके शुद्ध सनातन की वापसी कैसे हो उसका पूरा मामला है ये बता दीजिए। लेकिन कहीं भी स्पष्टीकरण इस तरह का नहीं है। अब आप ये बताइए कि आप किसी भी तरह से जाइए लेकिन इसको हेट स्पीच के दायरे में रखा जाएगा, अगर मैं आपके जाति या आपके धर्म को लेकर के उसमें मैं कोई अगर विभेद बरतना चाहूं और मुझे कोई उसका विरोध हो और मैं इस तरह के वो दूं जिससे आप उद्वेलित होते हो, जिससे आप अपमानित होते हो, तो हेट स्पीच का मामला बनता है। आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और कहना चाहिए कि कम से कम किसी धर्म का अपमान ना करो? निखिल जी कांग्रेस पार्टी का पूरा साफ और स्पष्ट और पूरे इंडिया की टीम इंडिया का भी दिखेगा, जब टीम इंडिया की अगली बैठक होगी तो इसके ऊपर एक आपको कॉमन स्टेटमेंट दिखाई दे देगा। चलिए इंतजार करेंगे इसका, इंतजार करेंगे इसका। प्रीति अग्रवाल जी कुछ बहुत देर से कहना चाह रही है। प्रीति जी 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 मैं बस वही बताना चाह रही हूँ, तो डिलिमिटेशन की ये बात कर रहे हैं कि इसको छोड़ दीजिए, तो सरकार का एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम से चलती है डिलिमिटेशन का, जो है डिलिमिटेशन की प्रोसीडिंग्स जो है वो क्वाजा जुडिशरी सिस्टम के हिसाब से प्रोसीडिंग्स के हिसाब से चलता है जी। जिसके जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं और उसके साथ साथ और सम्मानित सदस्य होते हैं जो ठीक है लेकिन अब अगर वो पलट कर आपसे सवाल कर लेंगी राहुल लाल जी की, क्या राहुल गांधी को पता है कि नहीं पता है, क्योंकि वो फिर ये सारी बातें कर रहे हैं तो आपको आपको खराब लगेगा और चर्चा बहुत दूर तक जाएगी। मुझे इस चर्चा को समाप्त करना है। आप अरे पता होता तो वो इस तरह के स्टेटमेंट्स देते। ठीक है अब इस चर्चा को समाप्त करूंगा, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। विनोद मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद मिश्रा जी एक सेंटेंस में खत्म करिए, एक सेंटेंस में खत्म करिए केवल। जी जी निखिल जी अभी जो राहुल जी कह रहे थे, राहुल जी जो बात आप कह रहे थे कि ये डीएमके का अपना एजेंडा है, पेरियार का अपना एजेंडा रहा है और ये कर्नाटक में डीएमके सरकार ये शुरू से इस चीज़ के इस अभियान में अपने को एक पॉलिटिकल अपना एक सूत्र एक फार्मूला बनाए हुए है, मान लिया आपकी बात।
लेकिन आप ये बताइए कि डीएमके के इस उदयनिधि का स्टालिन की बात को और ए राजा की बात को अगर कर्नाटक के मंत्री इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो माना जाएगा कि कांग्रेस भी इस सनातन विरोध का एजेंडा बना लिया है, ठीक है। या आप ये महागठबंधन के आप बिहार में सरकार में शामिल हैं, अगर वहां बिहार के मिनिस्टर चंद्रशेखर इस तरह के बार बार एक बयान दे रहे हैं, इस तरह से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और आपके सरकार में रहते हुए अगर वहां इस तरह की टिप्पणी हो रही है तो ये माना जाएगा कि इंडिया गठबंधन का ये एजेंडा है, तो ये बिल्कुल माना जाएगा। और ये सवाल राहुल लाल जी से अगली बार भी पूछा जाएगा, अभी अगली बार भी पूछा जाएगा, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, ओवरशूट हम कर चुके हैं। विनोद जी आपका बहुत शुक्रिया, प्रीति जी आपका शुक्रिया, राहुल लाल जी आपका भी शुक्रिया, और हम दोबारा आपके पास आ नहीं सके, विकास आपसे क्षमा भी चाहेंगे और आपको शुक्रिया करना चाहेंगे, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद। तो किस तरह से बात करेंगे इसके बाद कनाडा की, कि कनाडा की जो सरकार है, जो वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं, वो किस तरह से एक बार फिर से बेपर्दा हुए हैं, इस पर हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। चाची कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से, आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान मेला आयोजन जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज, अंगदान शपथ पंजीकरण जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन, रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन, इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। अर्जुन एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड, अब आगे क्या सोचा है? पापा मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न्स से लाखों कमाएं, ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा, शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है, ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और फिर बेपर्दा हुआ कनाडा। कनाडा में एक और खालिस्तानी समर्थक गैंगस्टर सुखा दुनेके के मारे जाने के बाद कनाडा की और किरकिरी हो रही है, दुनिया भर में कनाडा के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। गैंगवार में मारे गए गैंगस्टर सुखा दुनेके की हत्या के लिए लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने जिम्मेदारी कबूल की है। उन्होंने कहा है कि उनके ही गैंग ने उनको एलिमिनेट करवाया है। कुछ अज्ञात हमलावरों ने सुखा को मनीतोबा प्रांत के विन्नीपेग में मार गिराया था। सुखा कनाडा में खालिस्तान आंदोलन का बड़ा समर्थक था। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बिश्नोई और बरार के गैंग ने सुखा दुनेके की हत्या की बात कबूल कर कनाडा सरकार के दावों की हवा निकाल दी है। दरअसल कनाडा सरकार बार बार ये कहती रही है कि इन सब में भारत का हाथ है, इन सब के पीछे कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही कनाडा ने उनके मामलों में, यानी कि कनाडा के मामलों में भारत के हस्तक्षेप का बेतुका और अनर्गल आरोप लगाया था, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। पंजाब के खतरनाक क्रिमिनल्स का सेफ हेवन बना हुआ है कनाडा। भारत में अपराध कर अपराधी कनाडा भाग जाते हैं तो उनके लिए एक सेफ हेवन बना है। हरदीप सिंह निज्जर भी भारत का भगोड़ा अपराधी था, लेकिन रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बावजूद कनाडा ने उसे तुरंत अपना नागरिक बना दिया था। इस बीच NIA ने कनाडा में छुपे गैंगस्टर के खिलाफ पंजाब में अपना अभियान तेज कर दिया है। NIA का अभियान तेज हुआ है, जो पंजाब में गैंगस्टर छुपे हुए हैं कनाडा से आए हुए। और कनाडा में राजनीतिक दल, मीडिया और आम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आतंकवाद का महिमा मंडन करने की आलोचना कर रहे हैं। लगातार आलोचना हो रही है जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार की। नेशनल टेलीग्राफ के वरिष्ठ संवाददाता डैनियल बोर्डमैन का कहना है कि PM जस्टिन ट्रूडो के पास अपने आरोप के लिए कोई तार्किक व्याख्या नहीं है, कोई उचित स्पष्टीकरण भी नहीं है।
डैनियल ने लिखा है कि कनाडा में हमारे पास चीन से विदेशी हस्तक्षेप का एक बड़ा खतरा है, ये इस समय एक बड़ा घोटाला बनकर उभरा है। डैनियल के मुताबिक चीनी हस्तक्षेप की वास्तविक कहानी पर पर्दा डालने के लिए भारतीय विदेशी हस्तक्षेप की झूठी कहानी गढ़ी जा रही है। इधर भारत सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए अगले आदेश तक कनाडा से भारत के लिए वीजा सेवाएं निलंबित कर दी हैं। ये फैसला कल ही लिया गया है और वीजा सेवाएं कनाडा से भारत के लिए निलंबित हैं। इस बीच भारत द्वारा निष्कासित कनाडा का शीर्ष राजनयिक आज भारत छोड़कर जा रहा है। भारत ने कनाडा के इस शीर्ष राजनयिक को पांच दिन पहले यह कहा था, पिछले तीन दिन पहले, कि पांच दिनों के अंदर इसको देश छोड़कर जाना होगा और आज वो देश छोड़कर जा रहा है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कुछ कहा इस पूरे विषय पर, आइए सुनते हैं। शक के बिहाफ के ऊपर एक दूसरी कंट्री को अपनी पार्लियामेंट में कटघरे में खड़ा करें, ये ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे हमारे आपसी संबंध जो थे उसका बहुत कूटनीतिक नुकसान तो हुआ ही, लेकिन मैं मानता हूं कि जिस तरह से वहां पे जो अलगाववादी थे, गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग थे, उन्हें इसका लाभ मिला। अब उन्होंने वीडियो डालनी शुरू कर दी कि देखो जी कनाडा हिंदुओं को बाहर निकाल देंगे, हम इनको छोड़कर चले जाएंगे। कितना गलत है, वहां के सिख और हिंदू भाईचारे के लिए आपसी कितनी बड़ी एक जहर उगलने का काम किया। इसलिए बहुत जरूरी है कनाडा को उसका मुंह जवाब तोड़ जवाब दिया जाए, कनाडा को अपनी स्टेटमेंट वापस लेनी होगी। वहीं बीएसपी सांसद दानिश अली क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको भी सुनते हैं। कनाडा के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, ये हमारे देश के अंदर अगर कोई इस तरीके का इंटरफेरेंस करेगा पूरा देश उसके लिए इकट्ठा है, हम लोग सरकार के समर्थन में है इस इशू पे। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना हमारे साथ जुड़ी हुई है। आकांक्षा, सबसे पहले आपसे जानना समझना चाहेंगे किस तरह का अभियान एनआईए पंजाब में चला रही है, किस तरह से इस पूरे वाकये को देख रही हैं आप? जी निखिल, अगर मैं आपको बताऊं तो कल से क्रैकडाउन जो है वो पंजाब पुलिस का एनआईए के साथ चल रहा है। कुछ 600 जगहों पे छापामारी हुई है, 30 से ज्यादा लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है, राउंड अप किया गया है। और ये जो मुहिम है ये अभी से नहीं, जब इससे पहले सिद्धू मूसेवाला का वारदात जो हुई थी वो भी एक गैंग वॉर के तहत हुई थी, तो उस टाइम से लेके अब तक जो ये क्रैकडाउन है गैंगस्टर्स के ऊपर ये चलता आ रहा है। और जो कल क्रैकडाउन हुआ है 7 बजे से लेके 2 बजे तक चला है और लगभग 28 डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब की जो है उसमें कवर की गई हैं, जिसमें काफ़ी सारे लोगों को राउंड अप किया गया है और उसमें कुछ मात्रा में ड्रग्स भी और वेपन्स भी मिले हैं निखिल। जी जी जी, निश्चित तौर पर। तो ये कहीं ना कहीं कनाडा सरकार की, जस्टिन ट्रूडो की भी किरकिरी हुई है, जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई और उन मनप्रीत और जो उनका गैंग है उसने इस बात के लिए स्वीकार किया है कि सुक्की की हत्या के पीछे उनका हाथ है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आकांक्षा। और अब बात करेंगे कर्नाटक के सियासत की। बीजेपी और जेडीएस कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं और वो साथ साथ हैं, तो समीकरणों पर क्या कुछ असर पड़ेगा कर्नाटक के 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का अभियान जारी है। एनडीए में शामिल होने को लेकर आज हो सकती है जेडीएस से बातचीत, बीजेपी के मिशन 2024 को इससे मजबूती मिलेगी। जेडीएस और बीजेपी कभी कर्नाटक में साथ थे, लेकिन इस बार हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीएस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। इस बार अलग अलग चुनाव लड़ा था दोनों पार्टियों ने और विधानसभा चुनाव में जेडीएस को इसकी वजह से बड़ा झटका लगा था। अब एक बार फिर बीजेपी और जेडीएस कर्नाटक में मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं और इसको लेकर के समीकरण साधे जा रहे हैं। जेडीएस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी इस अभियान पर लगे हुए हैं और उनका दिल्ली दौरा इसको लेकर चर्चा में है। फिलहाल बताया जा रहा है कि वो दिल्ली में है और इसको लेकर के सक्रिय हैं। खबर है कि कुमारस्वामी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं, इसको लेकर के आज उनकी चर्चा हो सकती है। कुमारस्वामी ने कहा था कि अगर जरूरत हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेडीएस के प्रमुख एचडी देवगौड़ा भी बातचीत कर सकते हैं गठबंधन को लेकर के। कुमारस्वामी ने नई दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले कहा था कि अभी तक दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन ये बाधा नहीं बनेगा और लोकसभा चुनावों के दौरान ही सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। तो गठबंधन को लेकर दोनों दलों के नेताओं के सकारात्मक रुख से कर्नाटक की सियासत में अब नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारी संवाददाता बेंगलुरु से आयशा खानम जुड़ी हुई हैं।
आशा आपसे समझना चाहेंगे किस तरह के समीकरण आप देख रही हैं, क्योंकि ये तो हम इससे पहले भी देख रहे थे कि कम से कम विधानसभा में दोनों दल एक साथ कांग्रेस के खिलाफ हमलावर थे तमाम मुद्दों पर। विधानसभा चुनावों में जरूर वो एक साथ नहीं लड़े थे, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में उनको जो समीकरण है वो भी बदल गए हैं और अब जेडीएस और बीजेपी साथ आते नजर आ रहे हैं। अजय देखिए, कर्नाटक में जेडीएस और बीजेपी के बीच जो नजदीकियां शुरू हो गई हैं ये नई बात नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस की सरकार रही थी और उसके बाद जेडीएस ने बीजेपी के साथ अपना नाता तोड़ लिया था और 2020 की सरकार में सत्ता बीजेपी को देने से इनकार कर दिया था और उस वक्त सरकार गिर गई थी। तो जेडीएस को इस बात का अंदाजा है कि उस वक्त ये गलती करके जेडीएस को अब कई जगहों पर हार का सामना करना पड़ रहा है, कई जगहों पर उनका जो बेस है वो मिटता जा रहा है और अब लोकसभा चुनाव के दौरान ये जेडीएस के लिए बेहद जरूरी है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, क्योंकि जेडीएस का जो जो जेडीएस की जो मौजूदगी है, जो उनकी पहचान है दक्षिण कर्नाटक में, खासकर मैसूर, ओल्ड मैसूर इलाके में, यहाँ पर भी देखा कि जेडीएस ने सिर्फ एक ही सीट जीती थी कर्नाटक में और जेडीएस के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता देवेगौड़ा को हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में अब जेडीएस के लिए बेहद जरूरी है कि वो अपना अपनी जो पहचान है उसे बनाए रखें और जो परिवार के अंदर जो आंतरिक झगड़ा चल रहा है जेडीएस का, इसको भी किसी तरह से काबू में कर सके। तो ऐसे में जेडीएस अब बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो बीजेपी के लिए एक तरफ देखा जाए तो बीजेपी एक एक सीट का हिसाब रखती है, बीजेपी के लिए एक एक सीट जरूरी है। तो बीजेपी और जेडीएस के बीच इस वक्त जो बातचीत होगी, कुमार स्वामी आज अमित शाह के साथ बातचीत करेंगे दिल्ली में और खबर यह है कि जेडीएस चार सीटों की मांग कर, देखिए जेडीएस अब 15 सीटों से चार सीटों पर आ गई है, तो कम से कम चार सीट की मांग कर रहा है जेडीएस और बीजेपी का कहना है कि वो दो सीट देने के लिए तैयार है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों सीटों पर अगर जेडीएस को लड़ने का मौका मिलता है बीजेपी के साथ गठबंधन करके, तो इसमें जेडीएस के कैंडिडेट कौन होंगे? कोकलिका कम्युनिटी में देवेगौड़ा अब तक सबसे कद्दावर नेता माने जाते थे, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में जैसे डीके शिवकुमार का राइज, डीके शिवकुमार की कद बढ़ता जा रहा है, उनकी पहचान बढ़ती जा रही है, डीके शिवकुमार भी वकलिका समुदाय के नेता हैं। ऐसे में जेडीएस चाहती है कि वकलिका समुदाय पर जो कंट्रोल है, जो पकड़ है वो बनाए रखें और ऐसे में जेडीएस का फायदा बीजेपी के साथ जाने में ही नजर आता है। जी, एक सवाल का जवाब बहुत संक्षेप में आपसे चाहेंगे, समय हो चुका है आयशा, कि किस तरह से जो दोनों दलों के कार्यकर्ता है उनके बीच में आपसी समीकरण बन पाएंगे, किस तरह से कोऑर्डिनेशन हो पाएगा, क्या यह दिखता है पॉसिबल? देखिए इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि कई जगहों पर, कई जो खासकर जो वकरीगा गढ़ है, यहाँ पर लोग नाराज है, निराश है, 5 गारंटीज को लेकर कई गलतफहमियां लोगों में पैदा हो गई हैं। तो ऐसे में लोगों में कुछ हद तक आक्रोश है, तो जेडीएस का बेट भी ये चाहता है कि वो जो इस तरह से कांग्रेस की जो 5 गारंटी स्कीम लागू हुई है, कांग्रेस जेडीएस का मानना है कि कांग्रेस लोगों को भड़का, लोगों को डाइवर्ट कर रही है, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए 5 गारंटी स्कीम लाई है। तो ऐसे में जेडीएस के जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है, तो ये बहुत मुमकिन है कि आपकी जो मुलाकात है उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि ये गठबंधन किस दिशा में जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर कोऑर्डिनेशन दिखने की बात आप बता रही है कार्यकर्ताओं के बीच में। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आयशा। तो इस वक्त के इस अंक में बस इतना ही, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक,